आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा कंपनी के SRX-220 बॉक्स का। आप लोग बहुत दिन से वांट कर रहे थे तो मैं सोचा इसका वीडियो बना लिया जाए। इसकी MRP कुछ 8400 रुपये दी गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स है। 15 इंच में 200 वाट का है ये। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप 250 बॉक्स लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये 220 बॉक्स रिकमेंड करूँगा। इसमें बेस वेस आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये सिंगल स्पीकर है तो उस हिसाब से बजेगा। लेकिन अगर आपके पास एरिया अच्छा है जहाँ बेस गूंजता है, मतलब बेस ज़्यादा आता है वहाँ कोई भी स्पीकर लगाने से, तो उस जगह अगर आपने इसको लगा लिया फिर तो तबाही है। बहुत ही बढ़िया है ये 15 इंच में 200 वाट जो है 8 ओम्स वाला स्पीकर लगा है इसमें। और आहुजा के ये बेस्ट स्पीकरों में से, बॉक्सों में से एक है। मतलब कंपनी बनाती भी इसको बहुत अच्छी तरीके से है। और जिस जिसके पास ये है वो 250 से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। इसका रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे। पिछले बार कितना था, 9000 रुपये के आसपास का था वो था 250 बॉक्स एक, तो ये 8400 लगभग 600 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, एकदम पूरा चौकोना नहीं है, लेकिन जब बसता है तो मज़ा आ जाता है। ये कुछ हैंडल ऐसे दिया गया है और इस साइड से ऐसा, और ये ट्विटर जो 250 में लगता है वही ट्विटर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही है। और ये 15 इंच का 200 वाट का स्पीकर, और ये आहुजा के लोगो दिया गया अंदर, जो चुंगा निकला वाला स्पीकर है जो उसका कैप होता है डस्ट कैप बाहर निकला वाला है, और कुछ मेरे जांग इतना बड़ा है ये। बस फटाफट से इसकी वायरिंग भी कर लेते हैं। पीछे का हिस्सा दिखा देता हूँ आपको। पहले कुछ ऐसा दिया गया है, 8 और कॉमन दिया गया है, जैक पिन से भी लगा सकते हैं, 8 और कॉमन 200 वाट लिखा गया है 8 ओम्स में। ये मैंने वायरिंग कर ली है और अब मैं एम्पलीफायर की भी वायरिंग सेम कॉमन 8 में कर लेता हूँ। ये कर लिया मैंने, अब इसको चला के देख लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। My feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, 'cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको एक और बात बताना था कि अगर आप कोई भी आहुजा का प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में ही कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर से रेट बढ़ने वाले, कितने बढ़ने वाले इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन रेट ज़रूर बढ़ने वाले हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय।